नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार सर्वे आपको हम दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा का। मिल्कीपुर उपचुनाव जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, चुनाव काफी ज्यादा टफ होता जा रहा है सभी के लिए। ऐसे में हम देखेंगे, अलग अलग गांव पहुंचेंगे और अलग अलग गांव में अलग अलग चौराहे पर लगातार कवरेज हम कर रहे हैं। मिल्कीपुर की जनता किसके साथ है? क्या अवधेश प्रसाद अपना गढ़ बचा पाएंगे? क्या बीजेपी यहां से बाजी मार पाएगी? कौन जीतेगा मिल्कीपुर का चुनाव, समाजवादी पार्टी बीजेपी या बहुजन समाजवादी पार्टी? आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि गांव में जाइए, गांव का भी कोई वीडियो बनाइए। ऐसे में एक गांव में पहुंचते हैं, ये अवधेश प्रसाद का क्षेत्र है, अवधेश प्रसाद के क्षेत्र का एक गांव है। ऐसे में कुछ महिलाएं हमें दिखाई दे रही थी, इकट्ठा थी, और हम चलेंगे उनसे बात करेंगे। अवधेश प्रसाद की क्षेत्र की महिलाएं किसके साथ में है, ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि पासी समाज इस गांव में ज्यादा है। तो चलेंगे हम बात करेंगे कि मिल्कीपुर की जनता किसके साथ है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, और हम सभी से बात करेंगे। ऐसे में आपसे हम बात करना चाहेंगे, आप भी खड़े हैं, कौन बाजी मार रहा है यहाँ? बाजी अगर चंदभान पासवान, हाँ, जब टिकट तो वही मिला नहीं, अगर मिला तो बाजी और नहीं रही पूरा। हम पासवान बीजेपी से टिकट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कमल के फूल, कमल के फूल बीजेपी ना? हाँ, बीजेपी। चंदभान पासवान, चंदभानु पासवान को मिलेगा तो? हाँ, अपने समाज का नेता चाहते हैं? हाँ, समाज की चाहे। आप देखा जाए, यहाँ से रोड देखा जाए, कहो जे जीता कोई यहाँ दिखाए पर नहीं रहा है। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं हम 50,000 से जीतेंगे, तो जीता तो फिर ठीक है, जीते हमारे रोटवा बनवाए, हम रोटवा ना दिए, चाहे जीते चाहे 50 चाहे लाख से जीते, उनका वोट ना देवा? नहीं। अच्छा, चंदभानु पासवान की आप तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है? तारीफ करता है हमारे हर मौका पे, कहूँ कोनो बात पड़ते हमें, कहीं ना कहीं चंदभानु पासवान पहुंचते हैं आपके यहाँ। ऐसे में एक लोग और मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, कौन बाजी मार रहा है मिल्कीपुर से? साहब चंदभानु पासवान। चंदभानु पासवान यानी बीजेपी? अवधेश प्रसाद जी नहीं हारेंगे, उनके लड़के मैदान में हैं, नहीं हारेंगे वो, हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? माहौल नहीं ठीक है उनका, माहौल ठीक नहीं है, नहीं, अजीत प्रसाद का माहौल ठीक नहीं है। अवधेश प्रसाद तो जीत गए थे, वो हवा हवाज में जीत गए, हवा हवाई में जीत गए। चले, यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी है उनसे हम बात करेंगे कि उनके हिसाब से मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है, और काफी महिलाएं खड़ी है, हम बात करेंगे। तो चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं, कुछ लोग क्या भागने भी लगते हैं, और पहली बार जब बात की जाए या गाँव में है आप लोग समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता है। गीता जी, ये बताइए मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है? भाजपा। भाजपा मार रही जी? भाजपा का भी प्रत्याशी भी नहीं आया है? अरे यही तो लेट लगा रहे हैं। हाँ। लेट लगा रहे हैं, तब भी तो प्रत्याशी आएंगे, तब कौन चंद्रभान पासवान के वोट देंगे, और लेट बहुत कर रहे हैं, दो तीन महीने से नहीं ऐसे दोहरा रहे हैं। जनता उनको कहा था कब जल्दी पावे टिकट, कब जल्दी पावे टिकट, टिकट नहीं भाई कंफर्म की। चंद्रभानु पासवान को मिलना चाहिए जी, चंद्रभानु पासवान को मिलना चाहिए। कौन बिरादर के लोग हैं? पासी। पासी समाज जी। पासी समाज किसके साथ में है? पासी समाज भाजपा पे है। 50,000-55,000 वोट बताया जा रहा है मिल्कीपुर में चंद्रभानु पासवान, और 55,000 वोट लगभग पासी समाज का है। ऐसे में पासी समाज किसकी तरफ जा रहा है, ये बड़ा इशारा कर रहा है। चलिए आपसे हम बात करेंगे, कौन बाजी मार रहा है यहाँ? चंदभान पासवान से। चंदभान पासवान? हाँ, जब टिकट पाएंगे तो भारी उससे विजयी बनाएंगे, नहीं तो हम कहीं भी दे देंगे, ना उदेश को देंगे, ना गोरखनाथ को देंगे। हाँ। गोरखनाथ भी जीते थे तो ना हमारा रोट बनवाए, ना चक्रोट बनवाए। हमारे घर में शादी थी तो हमारी गाड़ी वहाँ कोटेदार के द्वारे ठार, देखने भी नहीं, रास्ते की समस्या है। हाँ। ऐसे में चंदभानु पासवान की आप मांग कर रही हैं। हाँ। चंदभानु पासवान से आपको उम्मीद है? चंदभान पासवान जो पाएंगे सब दुख में, दुख सुख में सबके ठाड़ होते हैं, पहुंचते हैं आप लोग। हाँ। चलिए ज्यादा महिलाएं, सभी से हम बात करेंगे। दादी कौन जीतेगा इस बार? चंदभान पासवान को देंगे। चंदभानु पासवान को देंगे? अब अपने बिरादर में देंगे आप लोग? अपने बिरादर में देंगे। जातिगत समीकरण भी चलता है भैया अयोध्या नहीं, उत्तर पूरे उत्तर प्रदेश में। आपसे हम जानना चाहेंगे कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? सर कमल। कमल बाजी मार रहा है? कमल का तो अभी कहते हैं बीजेपी कोई प्रत्याशी भी नहीं आया है। सर नहीं आए हैं तो क्या हुआ, उससे विजयी बनाएंगे हम, कमल को जिताएंगे सीधा सीधा जी। प्रत्याशी कोई भी रहे जी।
चलिए आपसे भी हम बात करेंगे, कौन बाजी मारा आपके साथ? बीजेपी भाजपा, कमल का फूल। कमल का फूल जी हाँ। साहब से जानना चाहेंगे कौन बाजी मारा यहाँ? नहीं पासवान भैया, चंद्रभान पासवान को क्यों भैया? बहुत अब जो सही काम करे वही जितबाई करी। और अवधेश, अवधेश प्रसाद यहाँ सांसद बने थे, बने तो मतलब बने नहीं पाए। हाँ क्या बने तो साहब मतलब कुछ कर नहीं पाए। अवधेश प्रसाद कुछ नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। तो चंद्रभानु पासवान को कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं ना, उन्हों आ जाएंगे, आगे आएंगे उन्हों देखेंगे। रोड हमारे सब ऐसे भैया सभी आते जाते हैं, तेरा तेरा चाहते गाड़ी नहीं निकल पाती, आती है फंस जाती है और क्या। और जब उन्हों के आएंगे देखेंगे एक बार उनको की चंद्रभानु पासवान। हाँ पासवान। ऐसे में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पासी समाज है वो सीधा सीधा चंद्रभानु पासवान कर रहा है। कुछ लोग, कुछ महिलाएं और हैं, उनसे हम बात करेंगे। कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? चंद्रभान पासवान। बीजेपी चंद्रभानु पासवान। हाँ। अवधेश प्रसाद के लड़के मैदान में हैं। कुछ नहीं उनका, नहीं दिया जाएगा उनको, नहीं देंगे ना। उनको क्यों नहीं देंगे? वो कुछ भी किया नहीं, और मड़हा धा के रही था कल्पनी देहन नहीं ना। हाँ अच्छा, दूसरे की लक्का चली जाता है जो ना के चाटर के दहरा लेके झाली झंखाड़े में से परी हन। हाँ अच्छा, चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे। हम नीचे बैठी हुई हैं, बैठना पड़ेगा हमें भी। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी कौन जीत रहा है मिल्कीपुर से? मिल्कीपुर से कमल जीत रहा है। कमल जीत रहा है। कमल से अभी तो कोई प्रत्याशी टिकट नहीं मिला है? अरे टिकट मिल रहा है, मिलेगा टिकट। किसे मिलेगा? चंद्रभान पासवान को। चंद्रभानु पासवान को? हाँ उन्हें चुने हैं हम सब लोग। उनको चुने हैं? हाँ चुने हैं। क्यों चुने हैं? वो दुख सुख में आते जाते हैं हमारे। अच्छा। हाँ आपके सबके दुख कार्यक्रम सुख में परत में आ जाती है। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ पर सब ज्यादातर लोगों से बात कर रहे हैं, ज्यादातर महिलाएं कह रही हैं कि चंद्रभानु पासवान। और ऐसे में जब हम कवर करने के लिए इधर आए थे ये हुआ कि पासी समाज जो है वो ज्यादा किस तरफ जा रहा है? चंद्रभानु पासवान की तरफ जा रहा है। अवधेश प्रसाद भी पासी है? पासी है लेकिन वो दुख सुख में नहीं होते, वो गुंडा ही करते, गुंडा की तरफ जाते हैं। गुंडा की तरफ जाते हैं एक बिटिया के साथ। तो वही और वही कहा है जोन बाटे की पकड़वा है, बिटिया कुआरी कहा है मदद नहीं करता है, लड़कन कुआरी भागता है। तो जैसे आपको बता देना चाहेंगे राय पट्टी की बात है, एक दलित बच्ची के साथ जो गलत किया जाता है मुंह से बोलेंगे भी नहीं। वहां पर अवधेश प्रसाद को पहुंचने में 5 दिन लग जाता है। ऐसे में सभी महिलाओं से हम बात करेंगे कि मिल्कीपुर की क्षेत्र की अवधेश प्रसाद के क्षेत्र के गाँव में मौजूद है महिलाएं किसके साथ है? चंद्रभानु पासवान। चंद्रभानु पासवान यानी बीजेपी, कमल फूल, कमल का फूल। चंद्रभानु पासवान और अवधेश प्रसाद इनके आगे जीरो है। अच्छा अच्छा, यहाँ चंद्रभानु पासवान की पकड़ मजबूत दिख रही है जी। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शांति। शांति जी कौन बाजी मार रहा है पहले तो ये बताइए। चंद्रभानु पासवान बीजेपी। हाँ। अच्छा चंद्रभानु पासवान आप लोग कह रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं चर्चा चंद्रभानु पासवान की है, क्या कारण है कि आप लोग चंद्रभानु पासवान के साथ? अब बहुत जने नेता आए गए। हाँ। कुछ की नहीं तो अब इनका पहली बार चुना जाता है। हाँ राशन अवसर मिलता है? राशन तो मिलता है। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, सुनीता जी कौन जीत रहा है? चंद्रभान जीती है साहब, उन्हें हम सब चुन लिए है। क्यों चंद्रभानु को क्यों चुन रहे हैं? बस ये चुना जाता है कोनो के एक बार देखा जाए नी बेकार काओ कैसे करत हिन, उन्हें जानकारी लीन जाए, जेका जितावा जात जहिन तो सब कहानी खत्म करत है। अब ना जात पाओ नहु आए जाए, भरोसा है हमारे सबका कुछ उनके ऊपर, कोनो भरोसा अगर बनाए रही है तो टिका रहे हमेशा तक। जब ये मिल्कीपुर की जनता है, यदि आप काम नहीं करेंगे तो आप हटा दिए जाएंगे। नेताजी बुरा नहीं मानिएगा, मिल्कीपुर जनता लगातार जो यहाँ पर काम नहीं करता उसको हटाती रही है लगातार। आप देखे भी हो कभी कोई विधायक रहा है, कभी कोई विधायक रहा है, क्यों? हाँ सही है, हमारे सबके लिए कुछ हुए ना, हम सब देखा रहा कैसे हैं, ये हिसाब से नहीं रहा जा। मिल्कीपुर की जनता अच्छे अच्छे खिला देती है, क्यों? हाँ सर। कौन बाजी मार रहा है फिर? चंद्रभान भाजपा। चंद्रभानु भाजपा से? हाँ, सब अपने बिरादर देख रहे हो। अरे अध्यक्ष मंत्री बिजली से करे, बिरादरी हुए चाहे ना हुए काम सही करे तो वही माना जाए, चाहे जो बिरादरी। अच्छा बिरादर
मतलब नहीं ना। हाँ वो तो हुए के किसे देंगे आप? किसे? मैं चंदवान का चंदवान पासवान को देंगे। हाँ नहीं के दिन जाए काहे दिन जाए काहे नहीं एकदम नहु साहब देखा जाए दोबारा फिर न करिए तो नहु का उतार दिन जाए। अच्छा और का एक बार मौका देंगे। हाँ एकदम उनको के जिताई हमार रोट बना दो उनको मौका दिन जाए देखा जाए उनको का जितावागा। हाँ तो महिलाएं मन मना ली है काहे मन मना ले हैं जब सही सही कर रहे हैं मन बना ले हैं कमल चंदवानु पासवान कैसे नेता हैं? कैसे नेता हैं दुख का गरीबन का दुख सुख सब जानत थी तो वही से उनका चुना जाता है एक बार चुना जाता है उन्हों का जैसे करी है ऐसे तो उन्हों छोड़ दिन जाए गलत कहे गरीब अभी उनका साथ देने के लिए तैयार तो गरीब साथ है नहीं है का अमीर दई है अमीर तो उनका दिया तो बाटे बड़े बड्डन का थाम लिए थे छोटे सुनते नहीं ना अवदेश प्रसाद छोटे नहीं सुनते क्या कह सुनते हैं आवत थी और का दूध दूध आई कोनो आफत मुसीबत पड़त भैया दिखाए नहीं पड़ते तो कौन फायदा भाई कौन फायदा है कोई बड़कने का ही रहती छोटे दिन का नहीं बड़के बड़के में ज्यादा जाते हैं तब फिर तब अवदेश प्रसाद कह रही बड़के बड़के में ज्यादा जाते हैं बिल्कुल बड़कन का थाम होता है छोटे दिन का निहरते नहीं ना कि क्यों बा कि मर गया सब तो हम सब अब दाए नो कर दिया के लिए अपना समाज नहीं देख रहे पास ही समाज है बिजली से गिरा तार आ रहे हैं मढ़ा बरबर तब से आए ना तब से दुख सुख के पूछे क्यों रहे पूछते जिताए दिन कहानी खत्म तो उनका फोन लगा तो बोलबे नहीं करते तो ये बताओ जीते दुई बार आए एक बार ही कौन बात यार फोन लगाते हैं तो अब नहीं करते आते नहीं है ऐसे में कुछ महिलाएं उधर दिखाई दे रही हैं उनसे भी हम बात करेंगे और चर्चा काफी तेज है। जब लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा था गाँव में जाइए गाँव में जब हम लोग पहुँचते हैं आप लोग कह रहे थे कि पासी समाज यानी कि अवधेश प्रसाद का समाज किसके साथ है तो अवधेश प्रसाद के समाज यहाँ पर अगर बात की जाए तो पासी समाज के ही लोग हैं यानी कि अवधेश प्रसाद के समाज के लोग ज्यादातर यहाँ पर है और महिलाएं हैं महिलाओं से हम बात कर रहे हैं अवधेश प्रसाद के समाज की महिलाएं अवधेश प्रसाद के क्षेत्र के समाज की महिलाएं किसके साथ में है और लोगों से हमारी बात की जाएगी महिलाओं से हमारी बात चल रही है और ज्यादातर चर्चा आप लोग देख ही रहे हैं कि चंदमानु पासवान की तेज है। ऐसे में कुछ महिलाओं का ये भी कहना है यदि चंदमानु पासवान को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग किसी और को वोट करेंगे तो आपसे हम जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? दुखरा जी। तो किसको दे रहे हैं वोट इस बार? भाजपा का। भाजपा दे रहे हैं? भाजपा का भी प्रत्याशी आया नहीं है अभी आया नहीं टिकट भी नहीं पाए। किसका लग रहा है को किसे टिकट मिलना चाहिए? चंदभान पासवान। चंदभानु पासवान हम देख रहे हैं यहाँ चंदभानु पासवान की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। अवधेश प्रसाद जी सांसद बने और उसके बाद आप लोग चंदभानु पासवान कह रहे हैं? अब सांसद बने चाहे नेता बने जब यहाँ उतरे नहीं तो काव करी हम सब। अभी एक, एक एक बता रही थी महिला की राजा हो गए हैं वो तो खेत बारी वही सब घर रखाई खेत रखाई समस्या सब बहुत नहीं हो रही है। आप क्या कहेंगे कौन बाजी मार रहा है? भाजपा। भाजपा मार रही है। अच्छा पार्टी से अभी प्रत्याशी भी नहीं आया किसे देख रहे हैं प्रत्याशी के रूप में? अरे आज आज तो नहीं कदिया। अच्छा ये भी कहा जाता है कि जिसके साथ महिला होती है चुनाव वही जीतता है और का कौन जीतेगा फिर? तो भाजपा वे का चंद्रभान चंद्रभान जीतेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं दादी जी भी मौजूद है इनसे हम बात करेंगे। दादी कौन जीतेगा आपकी बार? कमल का फूल। कमल का फूल जीतेगा जी। साइकिल अगली बार जीती थी? अरे साइकिल जीती रही धोखा से जीत गई साइकिल। धोखा दे दी तो का धोखा दी? अरे बहुत धोखा दे तो वो कह रही थी अभी उनसे बात हुई गई थी 8500 कह रहे थे मिला ही नहीं कुछ नहीं मिला का मिला जब से वोट पाए गए जीत गए चेहरा नहीं दिखाए चेहरा नहीं दिखाया है यहाँ पर। चलिए लगातार कवरेज हम दिखा रहे हैं एक बार सभी से ये पूछेंगे कि किसको बीजेपी से टिकट मिलना चाहिए ऐसे में महिलाएं क्या कहती है? चंदभान पासवान। किसको मिलना चाहिए? चंदभान पासवान। चंदभानु पासवान को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? चंदभान पासवान को मिलना चाहिए। चंदभान पासवान को मिलना चाहिए आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए? चंदभान पासवान कमल का फूल। अगर उनको नहीं मिलेगा तो वोट किसी को नहीं देंगे? वोट किसी को नहीं देंगे। किसको मिलना चाहिए माताजी? भैया चंदभान को मिले तो वोट दिन जाए नहीं तो नहीं। चंदभान को मिलेगा तो वोट दिया जाएगा या तो नहीं दिया जाएगा? माताजी किसको दिया जाएगा? चंदभान का। किसको टिकट मिलना चाहिए? चंद्रभान पासवान। चलिए जल्दी जल्दी सभी से पूछ लेंगे किसको टिकट मिलना चाहिए? चंद्रभान पासवान।
किसको मिलना चाहिए? चंद्रभान पासवान। बीजेपी से टिकट किसको मिलना चाहिए? चंद्रभान। महिलाएं क्या कह रही है? चंद्रभानु पासवान। किसको टिकट मिलना चाहिए? चंद्रभान पासवान। बीजेपी पासवान भैया आएंगे। किसको मिलना चाहिए? चंद्रभान पासवान। किसको मिलना चाहिए? चंद्रभान पासवान को। आप लोग किसको मिलना चाहिए टिकट? चंद्रभान पासवान। तो ये पासी समाज की महिलाएं हैं। जब हम लोग सर्वे कर रहे थे, जब लोग इनसे जाना गया, तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी से यदि चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलता है तो हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे, नहीं तो हम लोग वोट किसी और को करेंगे। आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से हमारे चैनल पर, और भी वीडियो आपको जाके देखने को मिल जाएंगी। लगातार सर्वे आपको दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल, अयोध्या न्यूज स्टोरी। मैं हूं दिग्विजय। जय हिंद।